पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए मेरी एक ही प्रेरणा थी, दैट इफ आई वांटेड टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन पीपल्स लाइव्स, द बेस्ट वे टू डू दैट इज थ्रू पॉलिटिक्स। राजनीति ज्वाइन करने के पहले मैंने इंडिया का शायद सबसे बड़ा डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स दक्षिण मुंबई से लॉन्च किया, जहां हमने लाखों बच्चों को और खास करके जरूरतमंद बच्चों को जरूरतमंद स्कूलों में मुफ्त एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी का एजुकेशन उनको दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से दक्षिण मुंबई में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत फायदा मिला। इस कार्यक्रम के द्वारा उन बच्चों को स्कूल और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिला। वे इस कार्यक्रम के थ्रू दे लर्नड इंग्लिश, दे वर एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे हैड एक्सेस टू कंप्यूटर एंड आईटी लिटरेसी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज। सम ऑफ दीज स्कूल्स कुडंट इवन अफोर्ड ब्लैक बोर्ड्स, लीव असाइड अ कंप्यूटर लेबोरेटरी, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट वी मेड दिस पॉसिबल थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब मैं 27 साल की उम्र में पहली बार एमपी बना तो मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का ध्यान मुंबई और यहां के लोगों की समस्याओं के प्रति आकर्षित करना था। एंड आई रियलाइज्ड दैट मुंबई नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लिंक, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द गवर्नमेंट। वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट प्रिविलेजेस इन 2005 वाज इन लोकसभा व्हेन आई गॉट टू इनिशिएट द डिबेट ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल, सूचना अधिकार विधेयक, जो हमारे देश में पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। जब मैं देश का आईटी मिनिस्टर बना, उस समय नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को स्पीयरहेड करने के लिए मुझे एक अवसर दिया गया था। द ई गवर्नेंस प्लान विल मेक गवर्नमेंट फार मोर एक्सेसिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, स्पेशली द यूथ, एंड गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज बिकम एक्सेसिबल टू पीपल ऑन देयर स्मार्टफोन्स। आई वॉज वेरी प्रिविलेज टू लीड दैट एफर्ट एज द कंट्रीज आईटी मिनिस्टर। ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड इंडिया सिटीजंस कनेक्ट विद देयर गवर्नमेंट इन अ वे दैट वॉज नेवर एन ऑप्शन बिफोर। लोकल लेवल पर मेरी पहली सफलता यह थी कि 2005 की मुंबई फ्लड्स के बाद मैंने शहर का ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव करने के लिए केंद्र से 1200 करोड़ रुपए की सहायता मुंबई के लिए ली। मेरी प्राथमिकता हमेशा डेवलपमेंट और मुंबई शहर की समस्याओं का सलूशन ढूंढने में रही है। जब कुछ लोग और कुछ राजनेता मंदिर वर्सेस मस्जिद की राजनीति पर ध्यान देते हैं, मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा एडुकेशन, हेल्थ केयर, रोजगार, विमेन्स इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और गृह निर्माण, ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया। इवन व्हेन मुंबई करंट एमपीज स्टे मम, आई टेक प्राइड इन स्टैंडिंग अप फॉर योर इंटरेस्ट्स, वेदर इट्स इनिशिएटिव्स लाइक क्विट प्लास्टिक मूवमेंट एंड फायर सेफ मुंबई, और इवन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक हाउ शुड वी प्लान द कोस्टल रोड और हाउ शुड वी रीडेवलप द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लैंड। An MP should always lend his or her voice to the people of Mumbai. And it's not just what I've done, it's also about my vision for the city. Here are five things I have always cared deeply about and will continue to stay focused on as your representative.